क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा लेने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास? क्या T20 के बाद अब वनडे और टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा? जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप से संन्यास लिया है, तब से ही फैंस के मन में ये अटकल है कि कहीं रोहित और विराट अब धीरे धीरे टेस्ट और वनडे क्रिकेट से भी तो संन्यास का ऐलान नहीं कर देंगे। कुछ लोगों का मानना है कि अगले साल भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने में अगर सफल हो गया तो विराट और रोहित टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह देंगे, जबकि यह दोनों ज़्यादा से ज़्यादा वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। वर्तमान में दोनों श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे। इसी बीच अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों इस साल होने वाली दिलीप ट्रॉफी में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो लगभग एक लंबे अरसे के बाद इन दो दिग्गज खिलाड़ियों की घरेलू क्रिकेट में वापसी होगी। रोहित शर्मा जहां आखिरी बार 2015 में घरेलू क्रिकेट में दिखाई दिए थे, वहीं विराट कोहली आखिरी बार 2010 में घरेलू क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे। ऐसे में लोगों के मन में एक बार फिर विराट और रोहित के भविष्य को लेकर सवाल आने शुरू हो गए हैं। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी विराट और रोहित के भविष्य को लेकर एक भविष्यवाणी करते हुए कहा कि रोहित आसानी से 2 साल और खेल सकते हैं। विराट कोहली की फिटनेस को लेकर आप कभी कुछ नहीं कह सकते, आप उन्हें 5 साल तक प्रतिस्पर्धा करते हुए देख सकते हैं, वह शायद टीम में सबसे फिट खिलाड़ी हैं। आप किसी भी 19 वर्षीय खिलाड़ी से विराट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूछें, विराट उनसे आगे निकल जाएंगे, वह इतने फिट हैं। मेरा मानना है कि विराट और रोहित में अभी बहुत सारी क्रिकेट बाकी है और यह पूरी तरह से उन पर निर्भर करता है कि वो कब तक खेलना चाहते हैं। अगर वे पर्याप्त रूप से फिट हैं, वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम जीत रही है, तो उन्हें खेलना जारी रखना चाहिए। यह बहुत आसान है। हरभजन की बात सुनकर फैंस ने भी तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए हैं। किसी का मानना है कि विराट और रोहित 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलने के बाद संन्यास लेंगे, जबकि एक यूजर ने कहा कि जब तक विराट और रोहित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत जाते, तब तक वह दोनों क्रिकेट से संन्यास लेने का सोच भी नहीं सकते। इसी तरह के न जाने कितने कमेंट से पूरा सोशल मीडिया भर गया। अगर भारतीय टीम के भविष्य की बात की जाए तो इस समय भारतीय टीम रेस्ट पर है। अगले महीने भारतीय खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी में दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद भारत 19 सितंबर से बांग्लादेश की मेजबानी करेगा और उनके साथ 2 टेस्ट मैच में शिरकत करेगा। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आएगी और भारत के साथ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। वहीं इस साल के अंत में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां पर भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा। उस सीरीज के बाद भारतीय टीम अपने घर वापस आ जाएगी और इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैच खेलेगी और फिर अगले साल का सबसे बड़ा मार्क इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाएगा। इन सभी सीरीजों को देखते हुए विराट और रोहित सबसे अहम खिलाड़ी माने जाते हैं। अब देखना होगा कि भारतीय टीम किस प्रकार विराट कोहली और रोहित शर्मा का इस्तेमाल करती है। अब आप हमें बताइए कि आपके अनुसार विराट और रोहित कब संन्यास ले सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की क्रिकेट से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर बजाएं।